भारतीयों पर अत्याचार की वैसे तो अनगिनत कहानियां हैं, लेकिन आजाद भारत में आपातकाल को याद करते ही आज भी देशवासियों की रूह कांप उठती है। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति से इमरजेंसी लगवाकर अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को सलाखों के पीछे डाल दिया था। आपातकाल से पहले ही इंदिरा गांधी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी मीसा कानून लागू कर चुकी थी। इसके तहत सरकार बिना वारंट के किसी को भी कभी भी कहीं से भी पकड़कर जेल में डाल सकती थी। इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने मीसा कानून का इस्तेमाल विपक्ष को समाप्त करने के लिए किया था। आपातकाल के दौरान विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए सभी बड़े नेताओं को जेलों में ठूंस दिया गया। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे दिग्गज नेताओं को जेलों में डालकर जनता के विरोध को दबाने का प्रयास किया गया। 1,40,000 से अधिक लोगों को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के महीनों तक जेल में यातनाएं सहनी पड़ी थी। इमरजेंसी के दौरान हिरासत में लिए गए 22 लोगों की जान भी चली गई थी। नेताओं के साथ काल कोठरी में बंद होने वालों में सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, लेखक और असहमति व्यक्त करने वाले आम नागरिक भी शामिल थे। 21 महीनों के आपातकाल में पूरा देश जेल में तब्दील हो गया था। उस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में 1273 कैदियों को रखा जा सकता था, लेकिन इंदिरा गांधी ने करीब 4,000 राजनीतिक कैदियों को गिरफ्तार करवा कर तिहाड़ भेज दिया। जेल सुपरिटेंडेंट ने इंदिरा गांधी के करीबी नवीन चावला को बताया कि जेल में नए कैदियों के लिए जगह नहीं है। तब चावला ने आदेश दिया कि नए कैदियों के लिए कच्ची छत वाले बैरक बनाओ, जहां इन लोगों को गर्मी में सेंका जा सके। वहीं कुछ कैदियों को तो पागलों के कमरों में डाल दिया गया था। इंदिरा गांधी ने 21 महीनों की इमरजेंसी में जो तानाशाही की मिसाल कायम की, उसे देश न कभी भूला था और न ही कभी भूल पाएगा।